ये जो लेवल है ये हमारा लोड का लेवल है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। मान लो ये होगा, फिर ये पास हो गया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, इसमें टाइम ज्यादा दिख रहा है, रेस्ट का इसमें टाइम कम दिख रहा है, इसके कारण से ओवरलोड होता है, ठीक है। तो जब ओवरलोड होता है ना, तो ऐसे सीधा ग्राफ किया कि ये पता रहा है प्रोग्रेस को, है ना। तो ये सीधा ग्राफ, पहले तो सीधा ग्राफ दिखता है, बाद में क्या होता है ओवरलोड जैसे हो सकता है ना, ये ऐसे हो जाता है। पहले वो कुछ दिन पैरेलल चलेगा, ओवरलोड जैसे हो रही है ना, कुछ दिन तक मेंटेन करेगा, उसके बाद क्या होगा, ओवरलोड हुआ तो वो डाउन होने चलेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा रेस्ट मिलेगा, ये ज्यादा रेस्ट मिल गया, फिर ये बढ़ेगा ना, तो इस लेवल तक नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन इसके बराबर भी नहीं आएगा, समझ गए। तो रिकवरी वापस जब होती है ना, तो पहले परफॉर्मेंस से थोड़ा सा ऊपर जाती है, लेकिन जो पीक परफॉर्मेंस था पहले का उतना नहीं पहुंचती, फिर वो फिर हम लोग प्रॉपर रेस्ट मिलता है, फिर वो धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, हम लोग को क्या करना रहता है, अब देखो मान लो दो खिलाड़ी हैं, ठीक है, दो खिलाड़ी हैं, हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दिए, इस बेचारे को ओवरलोड हो गया, इसको एकदम प्रॉपर रेस्ट के साथ मिल रहा है काम, ठीक है। तो इसका परफॉर्मेंस उसी समय में और इसका परफॉर्मेंस उसी समय में कितना चेंज आ जाएगा, और हम तो एक साल का प्रोग्राम बना देते हैं, समझ गए। एक जगह जैसे ही हमारा जो लोड का, अगर लोड ओवरलोड में जैसे कन्वर्ट होता है ना, तो उसका सीधा नुकसान खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में पड़ता है, क्योंकि उसको फिर वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा नॉर्मल तक आने, क्योंकि एक बार परफॉर्मेंस डाउन हुआ तो फिर वो धीरे 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 करके फिर नॉर्मल पे आएगा, फिर वहाँ से ऊपर बढ़ेगा। लेकिन पहले का जो रहता है ना, इससे थोड़ा फास्ट होता है, ये जो परफॉर्मेंस बढ़ा था ना, इससे ये थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है, रिकवरी उसकी थोड़ी सी फास्ट होती है, क्योंकि नीचे चला गया रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस तो उसने पहले भी दिया, तो इस ये जो लोड था इससे वो थोड़ा फास्ट रिकवरी लेता है, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सुपर कंपनसेशन। सुपर कंपनसेशन पीरियड क्या होता है, जब हमको लोड मिलता है और लोड के बाद जब हम रेस्ट करते हैं, तो ये हमारा रेस्ट पीरियड है। तो फिर हम जब यहाँ पर पहुँचते हैं ना, इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पर इस पहले वाले परफॉर्मेंस से ज्यादा परफॉर्मेंस करने की हमारे पास जो क्षमता आती है, वो हमारा सुपर कंपनसेशन। पहला जो परफॉर्मेंस था रेस्ट करने के बाद, ठीक है, उस पहले परफॉर्मेंस से ज्यादा कुछ एफर्ट लगाने की हम पर क्षमता आ जाती है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला पीरियड है ना, जहाँ पे हमको लोड मिलना चालू हुआ, जहाँ पर हमारा एनर्जी कंजर्म हुआ, जहाँ पर इकट्ठा हुआ, यहाँ पर उसकी एनर्जी ज्यादा है ना, यहाँ पे तो उसने खर्च कर दी, यहाँ पर उसने क्या किया, लोड लिया, लोड आने के बाद क्या हुआ, इधर रेस्ट किया, रेस्ट के बाद ये जो पीरियड होता है ना, जहाँ पर वो उसके पास एनर्जी भरा पड़ा है, रिकवरी हो गया तो एनर्जी है, अब ये जो पीरियड होता है ये सुपर कंपनसेशन, ठीक है, ये सुपर कंपनसेशन को पीरियड पूछता है, ठीक है। और ये सारी चीजें इसलिए मैं कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ कि इसके अंदर से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, लोड के क्वेश्चन जो बनेंगे वो अंदर से ही बनेंगे, ट्रेनिंग के क्वेश्चन बनेंगे सब अंदर से बनेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, सीधा सीधा नहीं पूछ देगा कितना लोड के कितने प्रकार होते हैं, पूछ दिया तो बाकी किस्मत अच्छी है। आया समझ में? ओवरलोड हो गया, सुपर कंपनसेशन हो गया, और कुछ बचा? कंटिन्यूटी ऑफ लोड, इसको तो मैं बता ही चुका हूं, प्रोफेशन ऑफ लोड, कंटिन्यूटी ऑफ लोड को मैं समझा चुका हूं, क्यों कंटिन्यूटी ऑफ लोड समझा, किस
तरीके समझाया, लोड अपने आप वो अडॉप्ट कर लेता है, नेचुरल होने की कोशिश करता है, इसलिए हम लोग को हमेशा उसको बरकरार रखना चाहिए, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। लोड देना जैसे ही हम बंद किए तो वो वापस नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, उसको वापस नीचे आ जाता है उसका दबाव, तो इसलिए लोड हमेशा बरकरार। और इसमें दोनों लिख सकते हो कि लोड एक फिजियोलॉजिकल डिमांड है, इसलिए हमको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। कौन-कौन ये एनर्जी एक्सपेंडिचर को याद रखता है, एनर्जी कितना कितना खर्च होता है, सबसे बेच के रखो कितना खर्च होता है, अच्छा एक कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 4.2 बोल सकते हो, 0.9 होता है, 0.9 होता है, अब 4.2 ही बोला था, ये 0.9 एग्जैक्ट बता दे तो क्या प्रॉब्लम, 0.9 को तो 2 लिख सकती है ना, 19 को 20 बना सकती है ना, 19 20 कर दीजिए, सम लो के बाद, हां तो जब क्वेश्चन, अगर इसमें से क्वेश्चन दिया कि ये एनर्जी हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो कितना खर्च होगा, कितने माइल पर आवर पे रनिंग कर रहे हैं तो कितना खर्च होगा, अगर जूल में दिया तो तुमको दोनों में से कोई भी एक का डाटा अगर पता है तो 4 से डिवाइड कर देना या 4 से मल्टीप्लाई कर सर, जैसे इसमें आप दिए, जैसे इसमें ना पॉइंट में दिया है तो उसको जूल में नजर कन्वर्ट करना,